बात करते हैं खरगोन की, जहां पर 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। उल्टी 10 से ये लोग बीमार हुए हैं। बावड़ी का दूषित पानी पीने के बाद ये 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। खरगोन के गवसन गांव का ये मामला है, जहां पर बावड़ी का दूषित पानी पीने के बाद ये 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता फरीद शेख से। फरीद, क्या बताया जा रहा है इस वक्त, इनकी स्थिति क्या है और क्या कोई दूसरा स्रोत नहीं था, सिर्फ बावड़ी से ही पानी सप्लाई की होता था? जी जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रामीण गांव के ग्रामीण करीब ये दो दिन से इस दौर से गुजर रहे हैं, करीब अभी तक 100 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। आज वहाँ पे जो लोग स्वास्थ्य की टीम पहुंची थी, उन्होंने करीब 50 से लगभग मरीज इलाज किया और अभी वो लोग साधारण स्थिति में। लेकिन यह प्रश्न ये उठता है कि जब पूरे जिले में पेयजल योजना पर करोड़ों का खर्च किया जा रहा है, तो ये जिला मुख्यालय से मात्र कुछ दूरी का ये गांव है जहाँ पर बावड़ी का पानी पी रहे लोग, ये खुद प्रश्न अभी चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर इतना पैसा कहाँ जाता है। क्योंकि बावड़ी का जो खराब पानी था उसी के चलते काफी लोग बीमार हुए, और इसके बावजूद पीएचसी के विभाग के कोई भी कर्मचारी वहाँ नहीं पहुंचा, ना पानी के अभी तक सैंपल लिए गए हैं। जमशेद, बिल्कुल, और कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर पहुंची है फरीद। जी बरूड और उन थाना उन स्वास्थ्य केंद्र की टीम वहाँ पर जा रही है और बराबर में इलाज भी कर रहे हैं उन लोगों का। आज ही 50 से अधिक लोगों का इलाज किया और उनके उन्हीं से भी करते हैं, उनके अनुसार अभी कुछ लोगों की हालत थोड़ी गंभीर, बाकी सभी लगभग स्वास्थ्य में पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फरीद, इस जानकारी के लिए। फरीद शेख हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इलाज किया जा रहा है, डायरिया फैल गया था, 100 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए थे क्योंकि बावड़ी का दूषित पानी इन लोगों ने पी लिया था। दूसरा स्रोत नहीं है पीने के पानी का, इसी के चलते बावड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था पीने के पानी के तौर पर और इसी के चलते डायरिया की चपेट में आ गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची है और अब इन लोगों का इलाज किया जा रहा है।